नमस्ते दोस्तों, हमारे पास है आज एक एयरपोर्ट्स। हम क्या करने वाले हैं, इसे ठीक करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस, ये जो है एयरपोर्ट्स ख़राब हो चुके हैं तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स जो है हमारे कुछ ही काम का नहीं है, बट ये भी सही है, बॉक्स तो ख़राब हुए हैं जो वो है हमारे एयरपोर्ट्स। देखिए मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से। इसकी ये बैटरी है, ये ख़राब हो चुकी है। ये न्यू मिलती है बट थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, इसलिए हम इसे परचेज़ नहीं कर सकते। इसे भी खोल लेता हूँ मैं। देखिए आप अंदर से, देखिएगा इसे हमने खोल लिया है यहाँ से। अब इसे हम बाहर निकालेंगे, सिंपली यहाँ से करेंगे पुश हल्का सा और ये बाहर आ चुकी है। तो देखिए गाइस, ये है इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल। सही, हम सेम दूसरे वाले का भी बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ये निकल चुका है बाहर। देखिए गाइस, ये दोनों सिस्टम हमारे बाहर आ चुके हैं। अब इसकी मैं आपको समझाता हूँ वायरिंग। ये देखिए गाइस, ये ब्लू और ये ब्लू और वाइट, ये दोनों वायर है स्पीकर के हमारे, और ये रेड और ये ब्लैक वायर है हमारे बैटरी के। ऐसा ही वायरिंग जो है हमारे दूसरे वाले मोड में भी होगी। और ये इसका ऑन ऑफ स्विच, देखिए गाइस। और ये मैंने एक ब्लैक कलर का वायर लिया है, ये आप किसी भी पुराने ईयरफोन में से ले सकते हैं। मैं वाइट कलर वाला लेना वाला था बट वाइट मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं ब्लैक ही ले लिया। आप वाइट लेंगे तो और अच्छा लुक आएगा इसका। अब देखिए गाइस, इसके अंदर भी वायर होते हैं दो, तो इसमें आप याद रखिएगा कि आप कौन सा पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और कौन सा नेगेटिव से जोड़ रहे हैं, कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वायर्स कनेक्ट होंगे। अब सबसे पहले हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे और साथ में इसको भी इसके अंदर फिट करेंगे, क्योंकि बाद में फिट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए गाइस, पहले मैं इसे अंदर डालता हूँ। ये मैंने डाला इसे अंदर। अब इसके साथ में ही हमें जो ब्लैक वाला वायर है इसे भी डालना पड़ेगा। तो ये ले लिया है मैंने इस वायर को। पहले ये वाला वायर बाहर निकालना है, ब्लैक वाला हमको, फिर इसे अंदर पुश कर देना है धीरे धीरे एकदम। ये हो चुका है एकदम फिक्स। अब देखिए गाइस, जैसे मैंने कर लिया है थोड़ा साइड में, ये स्पीकर के वायर्स में अलग निकाल लेता हूँ और बैटरी का अलग निकाल लेता हूँ। अब बैटरी के कनेक्शन हमें यहीं पर ही करने होंगे। इसे मैंने जोड़ देखिए गाइस, ये मैंने कर लिया है। ये ब्लैक वाला वायर होती है और ये वाला है रेड वाला वायर। इस वाले ब्लैक वाले वायर के अंदर दो वायर होते हैं, एक ब्लैक टाइप में होता है और एक हमारा ग्रीन टाइप का। आपस में शॉर्ट ना हो इसलिए आप किसी भी एक वायर पे जो है टेप लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आप मैंने क्या करा यहाँ पर, यहाँ मैंने ब्लैक वायर को ब्लैक से जोड़ा है और जो हमारा ग्रीन वायर था ग्रीन वायर उसे जोड़ा है मैंने। इसमें वायर होते हैं दो, एक रेड टाइप में और एक होता है ब्लैक टाइप में। देखिए मैंने इस पर टेप भी लगा दिया है और इसे सिंपली यहाँ से खींच लेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए अंदर। ये देखिए गाइस, हो चुका है। अब इन दोनों वायर्स को हमें हमारे स्पीकर के साथ में कनेक्ट कर देना है। ये रहा इसका स्पीकर। तो मैं स्पीकर के अंदर वायर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये पहले मैं सोल्डर वायर लगा रहा हूँ इसके ऊपर। तो देखिए गाइस, ये पहले मैं एक वायर सोल्ड करता हूँ
ये मैंने सोल्ड कर दिया है। अब दूसरा वायर सोल्ड करना है। ये दूसरा वायर भी सोल्ड हो चुका है। बस अब देखिए गाइस, ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं पूरे। अब सिंपली हम इसे इसके अंदर फिट कर देंगे। तो ये हो चुका है फिट। देखिए गाइस, एक हमारा तैयार हो चुका है। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी कर लेना है। सेम वही प्रोसेस होगा गाइस, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर भी। पहले इसे लगाना होगा हमें, फिर वायर लगाना होगा। देखिए गाइस, और ये सब करने के बाद में हमारा मॉड्यूल दोबारा से दिखेगा सेम टू सेम। और इसे भी हम कर देंगे यहाँ से फिट सिंपली। ये हमारा दूसरा भी हो चुका है तैयार। तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं एकदम बिल्कुल। देखिए ये रहा इसका वायर। अब गाइस हम लेंगे एक बैटरी। और गाइस मैंने कनेक्शन करे हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। ये मैंने लिया है 4007 का एक डायोड। इसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसे मैंने जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉइंट में, देखिए आप। और इसका जो डायोड का पॉजिटिव वाला है उसे जोड़ा है मैंने रेजिस्टेंस के अंदर। और रेजिस्टेंस का एक सिरा मैंने जोड़ा है हमारी LED के पॉजिटिव के अंदर। और LED का नेगेटिव गया है बैटरी के नेगेटिव के अंदर। देखिए ये LED का नेगेटिव गया है बैटरी के नेगेटिव के अंदर। और इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो चुका है पूरा। इससे गाइस क्या होगा, हमारी बैटरी चार्ज होगी और ख़राब नहीं होगी। देखिए हम इसको चेक कर दिखाता हूँ मैं आपको। इसका ये 5 वोल्टेज आ रहा है इससे। तो देखिए ये इसका पॉजिटिव वाला सिरा, और नेगेटिव वाला हम लगाएंगे बैटरी के नेगेटिव के अंदर। तो ये इसका पॉजिटिव मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये लगा दिया मैंने पॉजिटिव, और ये लगाया मैंने नेगेटिव। और गाइस देखिए LED ग्लो हो चुकी है। देखिए मतलब हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। देखिए देख सकते हैं आप। अब हमें चाहिए होगी एक चार्जिंग पिन, चार्जिंग जैक। इसका ये वाला पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव वाला सिरा है। देखा जैसे कि आपने इसे यहाँ पर भी हमें एक वायर सोल्डर कर देंगे। अब गाइस इसे हम बैटरी को फिट करेंगे एक शुगर फ्री जो आती है इसके अंदर, उसके बॉक्स के अंदर। तो देखिए चार्जिंग पिन को हमने इसके अंदर फिट कर दिया है अच्छी तरीके से बिल्कुल, ताकि हिले नहीं। और ये इसका नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला। तो हम यहाँ पर इसे सोल्डरिंग कर देंगे सिंपली, जैसे बताया मैंने आपको, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब इसके अंदर हम ये इसके अंदर ही आता है एयरपोर्ट के अंदर लगा हुआ ये नीचे की तरफ। तो इसे हम इसके अंदर से हम वायर कर देंगे पास, देख सकते हैं आप, जिससे कि इसका लुक ख़राब नहीं हो। देखिए हम इसे सिंपली यहाँ से फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये दोनों में कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। अब हमें इसके अंदर एक होल करना होगा ताकि हम एयरपोर्ट से वायर को इसके अंदर से पास कर सकें। मैंने होल कर दिया है यहाँ पर। होल करने के बाद के अंदर हम इन वायर्स को इसके अंदर से करेंगे पास। ये करा मैंने पहला वायर पास, और ये करा मैंने दूसरा वाला वायर पास। अब करने हैं हमें इसके कनेक्शंस। तो ये रही हमारी बैटरी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव बता दें मैंने आपको। तो देखिए मैंने कर दिए कनेक्शन यहाँ पर, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। देखिए आप, ये पॉजिटिव आया पॉजिटिव में, और ये इसका नेगेटिव आया हमारे बैटरी के नेगेटिव में।
तो देखिए गाइस, ये इसके मैंने इसमें मैंने होल कर दिया था, जिसमें देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें ये दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है। देखिए एक पॉजिटिव ये रहा, तो हमें एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से जोड़ना है और एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से जोड़ना है। और ये जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके दिखेगा, ये रहा पॉजिटिव पूरा सिरा और ये रहा इसका नेगेटिव सिरा। अब हमें इन दोनों को सिंपली बैटरी में जोड़ देना है, ओनली फॉर बैटरी में, याद रखिएगा आप। जैसे कि देखिए, आप बताऊँ मैं आपको, देखिए पॉजिटिव को मैंने बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ दिया है और नेगेटिव को मैंने बैटरी के नेगेटिव में जोड़ दिया है। देखिए ये पॉजिटिव में आ गया और ये आ गया हमारा नेगेटिव के अंदर। इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है पूरा। अब हम बैटरी को अंदर की तरफ पुश कर देंगे थोड़ा सा। बस ये अंदर फिक्स हो चुका है। अब हम बॉक्स कर देंगे बंद। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। देखिए एकदम कंप्लीट हो चुका है ये। और इसे हम ऑन करने के लिए सिंपली बस वन फिंगर करनी है हमको। तो ये मैंने करा टच और ये ऑन हो चुका है। अब गाइस, हमें इसको अपने टी शर्ट या शर्ट पर लगाने के लिए कुछ तो सही होगा, तो इसके लिए हम किसी ओल्ड ईयरफोन का बैक वाला हिस्सा जो होते हैं, जिससे आप माइक को लगाते हो अपने शर्ट पे, उसका सिरा निकालेंगे। हमें इसे यहाँ चिपका देंगे, सिंपली देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ, जिससे कि हम इसे हमारे शर्ट टी शर्ट के ऊपर लगा सकें। अब गाइस, हम इसे करेंगे चेक। यहाँ से आप इसको बैटरी चार्ज कर सकते हो उसकी, और यहाँ से चेक कर सकते हो कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ से एलईडी देख सकते हो आप उसकी, देख सकते हैं आप। मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ से, देखिए गाइस आप, मैं टच करा और ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है गाइस। और इसको भी हम, ये तो ऑन ही है पहले से, इसको ऑन कर दिया हमने। अब गाइस इसे करते हैं हम कनेक्ट यहाँ सिंपली। मैंने रिफ्रेश करा यहाँ पर और ये आ चुका है i11। गाइस देखिएगा, ये दोनों लाइट्स ऑफ हो जाएगी यहाँ पर, पेयर करा मैंने। और गाइस ये कनेक्ट हो चुका है हमारा, दिखाता हूँ मैं आपको। वाइट जी देखिए, बैटरी 100% i11। अब सुनते हैं गाइस हम इसकी आवाज़। मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। सुनिए आप इसकी आवाज़, भाई सुन रहे होंगे आप इसकी आवाज़ को गाइस, में आ रही है आवाज़, इसमें भी आ रही है। और ये जो है हमारा दूसरा वाला, इसमें भी आ रही है वॉइस, भाई सुन रहे होंगे आप आवाज़ अच्छे तरीके से बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ उसको, सुनती है, सुनिए आप आवाज। आ रही है आपको दोनों में आवाज़,